प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को यहाँ श्रेष्ठता प्रदान की गई है। गोपियों की प्रेम भक्ति और उनकी अनन्य निष्ठा को देख करके उद्धव अभिभूत हो जाते हैं और स्वयं अपने ज्ञान कर्म और योग की शिक्षा को लेकर के जो ब्रज प्रदेश में आए थे उस तुच्छ ज्ञान का जो घमंड था वह उनका जाता रहा। उन्हें लगता है कि ज्ञान कर्म और योग की शिक्षा के लिए जो मैंने मेरा जीवन व्यर्थ किया है वह बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो चुका है, अब भक्ति के माध्यम से मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। उन्हीं भावों को यहाँ अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। उद्धव का हृदय परिवर्तन होता है और वे गोपियों की प्रेमा भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। आगे का पद हम पढ़ेंगे। ऐसे मन अभिलाष कर मधुरा फिर आए, गदगद पुलकित हो हम, गोपी गुणगावन लगे, मोहन गुण गए भूली, जीवन को ले का करे, पायो जीवन की भक्ति को सारे
नंददास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उद्धव मन में अनेक प्रकार की अभिलाषा करते हुए ब्रज से मथुरा लौटते हैं। गदगद पुलकित रोम, उनका रोम रोम भक्ति के प्रभाव से पुलकित हो रहा था और अंगों में आवेश भरा हुआ था। गोपी गुरु गामन लायक मोहन गुरुदेव की और गोपियों की अनंत प्रेम निष्ठा को देख करके वह गोपियों के ही गुणों को गाने लगे और श्री कृष्ण के गुणों को भूल गए। जीवन को लेकर पायो जीवन मुनि भक्ति को सारे हैं और उद्धव मन ही मन कहते हैं कि अब मुझे भक्ति का सार तत्व मिल गया है जो कि मेरे जीवन का आधार है। तो अब ज्ञान कर और योग से जो मध्यस्थ जो मेरा जीवन था उसे लेकर के मैं अब क्या करूँगा, क्योंकि अब मुझे भक्ति का सार तत्व मिला है जो कि जीवन का आधार है। उद्धव मन में अनेक प्रकार की अभिलाषा करते हुए ब्रज से मथुरा आए हैं और उस समय अत्यधिक गदगद होने से उनके रोम पुलकित हो रहे थे और अंगों में अत्यधिक भावों का आवेश व्यक्त हो रहा था, यानी कि अत्यंत प्रसन्नता के साथ वे ब्रज से मथुरा लौटे हैं। गोपी गुण गावन लागे मोहन गुण गए बोली और उद्धव गोपियों के गुणों का गान करने लगे और श्री कृष्ण के गुणों को भूल गए। जीवन को लेकर करे वे मन ही मन सोचते हैं कि ज्ञान तुच्छ ज्ञान से के घमंड से युक्त जीवन को लेकर के क्या करें, अब मुझे भक्ति का सार तत्व मिल गया है जो कि मेरे जीवन का मुख्य आधार है। अब मुझे भक्ति का सार तत्व मिला है जो कि जीवन धारण करने का भी आधार है और ईश्वरीय प्रेमा भक्ति के समक्ष सब कुछ व्यर्थ है। ज्ञान कर्म और योग के उपदेश को लेकर के जो ब्रज प्रदेश आए थे वह सब उन्हें व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। आप राइट डाउन कर लीजिए इसी बात में। इसी प्रकार की अपने अभिलाषाओं से भर करके उद्धव ब्रज से मथुरा लौटते हैं और उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था और अंगों में भावों का आवेश व्यक्त हो रहा था। वह गोपियों के गुणों को गाने लगे और श्री कृष्ण के गुणों को भूल गए। वे सोचने लगे कि ज्ञान के मद से ग्रस्त जीवन को लेकर क्या लाभ है, क्योंकि अब तो भक्ति का सार तत्व मुझे मिल गया है जो कि मेरे जीवन का मुख्य आधार है।
जनायो। कछु निर्दयता श्याम की करी क्रोधित दो नैन, कछु ब्रज बलिता प्रेम की बोलत रसभरी बैन, सुनो नंदलाल। उद्धव ब्रज से मथुरा लौटते हैं और श्री कृष्ण के निकट जाते हैं तो अनेक प्रकार के भावों से भरे हुए अपने ही मन में सोच विचार करते हुए जहाँ श्री कृष्ण थे वहां दौड़कर पहुंच गए। उन्होंने श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की और अत्यधिक भावों का आवेश व्यक्त किया। कुछ निर्दयता श्याम की करी क्रोधित श्री कृष्ण की निर्दयता पर विचार करके दोनों ही नेत्रों को क्रोधित करते हुए अपनी बात कही और कुछ गोपियों की प्रेम की भावावेश को देख करके उन्होंने अत्यंत ही रस से परिपूर्ण वचन कहे। अर्थात श्री कृष्ण की निर्दयता को देखकर के कि गोपियों को विरह में छोड़ा है तो उन पर क्रोध का भाव अभिव्यक्त किया और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम भाव को देखते हुए अत्यंत ही सरस वाणी में उनसे कुछ वचन कहे। सुनो नंदलाले, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण सुनो। ब्रज से मथुरा आते हुए उद्धव सोचते रहे और जहाँ श्री कृष्ण थे वहां पर दौड़कर आए। उद्धव ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बहुत ही आवेश और रोष प्रकट किया। उसको श्री कृष्ण की निर्दयता पर विचार करके उद्धव के दोनों नेत्र क्रोध से भर गए और कुछ गोपियों के प्रेम के भाव को देखते हुए सरस वाणी में वे बोलने लगे कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण सुनो। तो दोनों ही प्रकार का भाव अभिव्यक्त हुआ है कि क्रोध का भाव भी वे व्यक्त कर रहे हैं श्री कृष्ण पर और प्रेम से परिपूर्ण भावों को भी व्यक्त कर रहे हैं। ब्रज में देखते समय गोपियों की अनन्य प्रेमा भक्ति का यहाँ उल्लेख हुआ है और गोपियों की प्रेमा भक्ति का आवेश होने से वे अत्यधिक कठोर वचन नहीं बोल पाए और कभी भी इसका स्वाभाविक चित्रण किया है कि श्री कृष्ण की निर्दयता है कि वे गोपियों को विरह में छोड़कर आए हैं तो वे क्रोध के भाव से भर गए और साथ ही साथ गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव था उसकी अनुभूति होते ही वह अत्यंत ही सरस वाणी में श्री कृष्ण से अपने भाव व्यक्त करने लगे। अर्थात प्रेम के अनुसार सरस भावों से भर गए हुए वचन कहने लगे कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण सुनो। निर्दय तुम लोगों
बात जब उजागर हो जाती है तो मुट्ठी खुल जाती है, वास्तविक चीज का प्रकट हो जाना। मैं जानूं मिल जाएगी निर्दय तुम्हरो रूप, जे तुमको अवलंबनी इनको मिलो को कौन यह धर्मी है। उद्धव आवेश के साथ मधुर स्वर में अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। श्री कृष्ण से भी कहते हैं कि तुम्हारा यह जो करुणा से युक्त रसिकता बचा हुआ जो व्यवहार है वह सब कुछ झूठा है। जब तक पल उठती है तब तक वह लाभ की है, लेकिन जब वो खुल जाती है तब उसका वास्तविक चीज हमें पता चल जाती है कि वह क्या है। तो उसी तरह से तुम्हारा वास्तविक रूप मुझे ब्रज प्रदेश में जाकर के लगा है कि तुम चाहे आप चाहे कितने ही करुणामयी हैं रसिक हैं, लेकिन वास्तव में आप निर्दय व्यवहार वाले हैं। मैं जानू ब्रज जाएंगे निर्दय गुरु और मैं तो ब्रज प्रदेश में ही जाकर के पहचान पाया कि तुम्हारा करुणामयी अवस्था रूप की अपेक्षा आप तो निर्दय रूप को धारण करने वाले हैं। जे तुमको अवलंबनी तुमको मेलो कौन यह धर्म है। हे श्री कृष्ण अब आप ही बताएं कि कौन सा धर्म है जिसके लिए केवल आप ही सहारा है, उन्हें वो कुएं में धकेल रहे हो। मेलो है रखना या धकेलना। हे नंद नंदन तुम्हारी करुणामयी रसिकता का जो आख्यान किया जाता है, जो वर्णन किया जाता है, तुम्हारी जो विशेषता मानी जाती है यह सब कुछ झूठी है। तुम तो निर्दयी अरसिक हो। जब तक मुट्ठी बंधी रहे तब तक उसके भीतर काफी धन होने का रहस्य बना रहता है, लेकिन मुट्ठी खुलते ही उस धन का रहस्य भी खुल जाता है। इसी प्रकार तुम यहाँ तो रसिक शिरोमणि बने रहते हो, लेकिन ब्रज में जाकर के मुझे पता चला है कि तुम्हारा तो रूप निर्दय स्वभाव वाला है। वे ब्रज की नारियां तुम्हें अपना जीवन का आधार मानती है, उन्हें ही तुम मेले प्रेमी के समान बनाए हुए हो, तो यह कौन सा धर्म है। अवलंबनी है सहारा कि उनका तो एकमात्र सहारा आप ही हैं और तुम उन्हें कुएं में धकेल रहे हो, यह कौन सा धर्म है। अर्थात ऐसे और करुण तुम बने हुए हो और तुम्हारा यह कौन सा धर्म है। उद्धव के कथन का आशय है कि श्री कृष्ण को स्वयं ही तुरंत ब्रज में जाकर गोपियों की प्रेमा भक्ति की पूर्ति करनी चाहिए और उनकी विरह व्यथा का निवारण करना चाहिए। निर्दय क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रेम के बदले उन्हें विरह वेदना प्रदान की है। गोपियां उनकी विरह में तड़प रही है और भावों को यहाँ अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण आपको जो करुणामयी और रसिकता से पूर्ण जो स्वरूप है वह सब कुछ झूठा है। बंद मुट्ठी तब तक ही लाभ की है जब तक कि वह खुल नहीं जाती और खुलने पर उसके वास्तविक रूप का पता चल जाता है कि उसमें कितना धन है। उसी प्रकार तुम्हारे बारे में वास्तविक स्थिति तो मुझे ब्रज प्रदेश में जाकर के ही लगी है। ब्रज में जाकर के ही मैंने पाया है कि तुम्हारा जो करुणामयी और रसिक रूप है वह पूर्ण रूप से निर्दयीता से युक्त है। तुम यहाँ तो रसिक शिरोमणि बने फिरते हो, लेकिन ब्रज प्रदेश में तो तुम निर्दय स्वभाव वाले हो। जिन गोपियों के लिए तुम ही एकमात्र सहारा हो उन्हें तुम कुएं में धकेल रहे हो, मैले कुएं में भेज रहे हो, तो यह तुम्हारा कौन सा धर्म है। तुम्हारा यह रूप एकदम निर्दयी है और तुम्हारी रसिकता भी झूठी है। ब्रज की गोपियों ने तुम्हें अपना जीवन का आधार माना है और उन्हीं के लिए तुम मैले कुएं के समान बने हुए हो, अर्थात यह तुम्हारा कैसा धर्म है। श्री कृष्ण को स्वयं ही तुरंत ब्रज में जाकर गोपियों की प्रेमा भक्ति की पूर्ति करनी चाहिए। तो यहाँ मैले अप्रेय है, प्रेम रूपी जल अपेय बना हुआ है और यहाँ लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है कि तब ही लोग लखे लाभ जब ही लोग बंद मुठी, यह लोकोक्ति है कि बंद मुठी लाभ की और खुली तो खाक की, कि जब तक
अगला पद देखिए, श्याम
हो जाएगा और उन्हें निराशा उत्पन्न हो जाएगी। तो गोपियों की एक निष्ठ प्रेम रक्षा के लिए तुम वृंदावन चले जाओ। तो गोपियों के हृदय में जो आपके प्रति प्रेम और निष्ठा का भाव है वह तभी बना रहेगा जब आप मथुरा के समस्त कार्यों को छोड़ करके ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए वहां चले जाओगे। तो उद्धव ने गोपियों को प्रेम का कुंज बताया है, गोपियों की प्रेमा भक्ति की यहाँ प्रशंसा की है और मित्र को सही परामर्श यहाँ दिया गया है कि उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण आप वृंदावन जाकर रहिए। गोपियां अत्यंत प्रेम का भंडार है और वहां गोपियों के साथ रहकर आप भी उनकी प्रेमा भक्ति का आनंद लीजिए। मथुरा के सभी कार्यों को छोड़कर के ब्रज के सभी लोगों को सुख प्रदान करने के लिए आप वहां चले जाइए, नहीं तो गोपियों और ब्रजवासियों के हृदय में जो तुम्हारे प्रति आपके प्रति जो प्रेम और स्नेह का जो भाव है वह समाप्त हो जाएगा और फिर निराशा उत्पन्न होगी, तब आप क्या करेंगे। तो गोपियों की अनन्य प्रेम निष्ठा समाप्त न हो, निराशा का भाव उत्पन्न न हो, अतः शीघ्र अतिशीघ्र आप वृंदावन जाके रहिए। गोपियां पवित्र प्रेम का भंडार है, इनके साथ रहकर प्रेमा भक्ति का आनंद लो। उद्धव कहते हैं कि मथुरा के सब कार्य छोड़ करके ब्रज के उन लोगों को सब तरह से सुख प्रदान करो और अपने प्रेमी धर्म का निर्वाह करो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी प्रेम निष्ठा टूट जाएगी और उनके हृदय में स्नेह के व्यवहार के प्रति निराशा उत्पन्न हो जाएगी। अतः गोपियों की प्रेम निष्ठा के लिए